इंदौर के राव थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रकाश अपनी बहन और जीजा से मिलने आया था। इसी दौरान राव की गोल चौराहे पर तेज रफ्तार आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। क्या घटनाक्रम हुआ है, ये कौन है? जी क्या घटनाक्रम हुआ, कौन है ये जिनका सड़क हादसे में मौत हुई है? ये सब वाहन से हुआ। कौन है ये आपके? मेरे बच्चा है, मेरा लड़का है। अच्छा जी, तो क्या काम करते थे ये? ये जेसीबी चलाते थे। कितनी उम्र है? 35-36 साल की। क्या नाम है? प्रकाश। तो कैसे, क्या सूचना लगी आपको? सर वो उनने फोन लगाया, हमारा जो साथ में लड़का था, हमारे साला जी का लड़का था, उनने हमको फ़ोन लगाया। हम धार रोड रहते हैं, तो उन्होंने लगा, बोले फूफा जी, बोले तुम आ जाओ, ऐसे ऐसे हो गया, बोले एक्सीडेंट हो गया। और बोले प्रकाश भाई ज़्यादा चोट आई है, तो बोले संभाल नहीं पा रही, मैं अकेला हूँ, बोले आ जाओ तुम। मैंने मिला, बोले सर बन के हो, अब मेरे पास साधन है ही नहीं, रात में कैसे आएंगे 10-11 बजे। फिर जो हमने फिर हमारे जम्मे को फ़ोन लगाया। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? ये मानपुर से मुसाखड़ी जा रहे थे। तो मानपुर क्या करने गए थे? ये मतलब मेरे ससुराल है, वहाँ पर जी उसके मामा के पास गया था। अच्छा, तो वहाँ से फिर इंदौर आ रहे थे? इंदौर आ रहे थे, बोले बहन के पास जाओ, बोले मिल के जाऊँ। कितने लोग थे ये? दो जने थे। आपका नाम? मेरा नाम बागा। घटनाक्रम हुआ? घटना ये रात 9:30 बजे की है, राव गोल चौराहे पे। ये मृतक प्रकाश अपने दोस्त के साथ में अपने जीजा से मिलने श्री अग्रवाल कॉलोनी राव अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। जैसे ही गोल चौराहे राव पर पहुंचे, एक आयशर वाला पीछे से इनको टक्कर मार कर चला गया, जिससे प्रकाश मृतक का जीजा मैं जिला अस्पताल एक्सवाड एम्बुलेंस से लेकर आया था। इन्हें डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया ना, जिसका पीएम हेतु आज यहाँ आए हैं फॉर्मेलिटी करने। कितनी उम्र थी प्रकाश की? 35 साल। क्या नाम था? प्रकाश। क्या काम करता था? ये मजदूरी करता था। आपका नाम? मेरा नाम ASI मोहम्मद अमीन, थाना राव।